हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने तो सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं इन रूल्स को हम, हम इसमें नीचे, नीचे से कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हम इसे मूव कर सकते हैं और किसी और वे से मूव करके हम अपनी पजल को सोल्व कर सकते हैं तो आइए इन पजल्स को स्टार्ट करते हैं अब देखते हैं फर्स्ट पजल को जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है सो so स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक वाइन ग्लास है इसमें एक स्ट्रॉबेरी है आपको कोई दो मैच स्टिक को मूव करके स्ट्रॉबेरी को ग्लास से बाहर लेकर आना है इसके लिए आपको मिलेंगे दस सेकेंड और आपको समय शुरू होता है अब तो आइए स्टूडेंट इस पजल का सोल्यूशन देखते हैं हम इस पहली स्टिक को मूव करेंगे फिर हम दूसरी मैथ स्टिक को मूव करेंगे और इसे ग्लास के बेस पर लगा देंगे इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो स्ट्रॉबेरी है वो ग्लास से बाहर हो गई है अब देखते हैं सेकंड पजल को जो कि बहुत एक्साइटिंग है सो so, स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर मैथ स्टिक की एक पिक्चर है इसमें से कोई तीन मैथ स्टिक को मूव करके आपने दो स्क्वेयर बनाने हैं इसके लिए आपके पास दस सेकेंड है और आपका समय शुरू होता है अब आई होप आपने इस पजल को सोल्व कर लिया होगा अब हम इस पजल का सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले हम इस स्टिक को मूव करेंगे वे से और इसे यहां प्लेस कर देंगे उसके बाद सेकंड स्टिक को भी हम होरिजेंटल वे से मूव करेंगे उसके बाद थर्ड स्टिक को हम वर्टिकल वे से मूव करेंगे इस तरह से हमारे पास फर्स्ट स्वेयर आता है जो कि छोटे वाला स्क्वेर है और जो सबसे बड़ा स्क्वेर आएगा उसको हम बोलेंगे सेकंड इस तरह से हमारी ये पजल सॉल्व होती है अब टाइम है थर्ड पजल का सो so स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पिक्चर चार मैच स्टिक से बनी है और इसमें किसी एक मैस्टिक स्टिक को मूव करके आपने एक स्क्वायर बनाना है और इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड है और आपका समय शुरू होता है अब आई होप आपने इस पजल को सोल्व कर लिया होगा अब हम इस पजल का सोल्यूशन देखते हैं इस पहले वाली स्टिक को हम ऊपर की ओर मूव करते हैं जैसे ही हम इसे ऊपर की ओर मूव करते हैं एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है जिसे हम क्लियरली देख पा रहे हैं तो इस तरह से हमारी पज़ल सोल्व होती है अब देखते हैं फोर्थ पजल को जो कि इक्वेशन से रिलेटेड है सो so, स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर एक इक्वेशन फाइव प्लस फोर इक्वल टू टू देख रहे हैं जो कि गलत है किसी एक मैस्टिक को मूव करके आपने इसे सही करके दिखाना है इसके लिए आपके पास दस सेकेंड है और आपका समय शुरू होता है अब आई होप आपने इस पजल को ईजिली सोल्व कर दिया होगा अब हम इस पजल का सोल्यूशन देखते हैं हम इस टिक को मूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू जो कि एक सही इक्वेशन है अब हम डिस्कस करते हैं आज की अपनी लास्ट पजल को सो so स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर एक इक्वेशन नाइन प्लस थ्री इक्वल टू फाइव देख रहे हैं जो कि गलत है आपने इस इक्वेशन को सही करके दिखाना है किसी एक मैचिक को मूव करके और इसके लिए आपके पास दस सेकेंड है और आपका समय शुरू होता है अब आई होप आपने इस पजल को सोल्व कर लिया होगा अब हम इस पजल का सोल्यूशन देखते हैं हम इस टिक को मूव करेंगे तो हमारे पास आएगा एट माइनस थ्री इक्वल टू फाइव जो कि एक सही इक्वेशन है